और अभी आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस का मामला पीटीआई रहनुमा असद उमर एफआईए की तहकीकाती टीम के सामने पेश ना हुए। एफआईए ने आज पीटीआई रहनुमा असद उमर को तलब कर रखा था। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से, जो कि फंड ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से आपको बता रहे हैं, पीटीआई रहनुमा असद उमर एफआईए की तहकीकाती टीम के सामने पेश ना हुए और एफआईए ने आज पीटीआई रहनुमा असद उमर को तलब कर रखा था। एफआईए की जानिब से असद उमर को तलब किया गया है। तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग का ये केस है। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि असद उमर को तलब किया गया है क्योंकि 2018 के इलेक्शन में असद उमर तमाम इलेक्शन टीम को लीड कर रहे थे और तमाम फंडिंग इनके थ्रू लगाई जा रही थी और अब एफआईए ने उन्हें तलब किया है। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस है ये और एफआईए ने आज पीटीआई रहनुमा असद उमर को तलब कर लिया है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा असद उमर को एफआईए की जानिब से तलब कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस में असद उमर को तलब किया गया है और उन्हें आज तलब किया गया है। ममनुआ फंडिंग में जो आपको बताएं कि असद उमर अहम रहनुमा थे और उनकी तरफ से ये तमाम रकम इस्तेमाल की जा रही थी।